मुंबई, भीड़भाड़ वाला एक व्यस्त शहर। कहते हैं मुंबई सपनों का शहर है। ये शहर अपने आप में इतना व्यस्त है कि कभी सोता ही नहीं। भीड़भाड़ भरे इस व्यस्त शहर में शांति और सुकून मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद इस शहर के अंदर एक जगह ऐसी भी है जो शांति और सुकून के लिए जानी जाती है, वो है कन्हेरी की गुफाएं। तो चलिए आज हम आपको कन्हेरी की इन अद्भुत गुफाओं के दर्शन कराते हैं। कन्हेरी की गुफाएं मुंबई के बोरेवली इलाके के संजय गांधी नेशनल पार्क में स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा जंगल है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी देखे जा सकते हैं। इस प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य बसी ये खूबसूरत और शांत गुफाएं सदैव पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मेरा नाम है दीपेश सुखदरे। मैं यहाँ पे नेशनल पार्क में ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। रिकवरी पर 5 साल से काम करता हूँ। यहाँ पे नेशनल पार्क से जो आने वाले बाहर टूरिस्ट वगैरह है वहाँ पे उन लोगों को मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता हूँ, आने जाने का करता हूँ। इसलिए यहाँ पे साइकिल मिलता है और एक्टिवा पर प्लस वैन मिलता है यहाँ पे घूमने के लिए। कन्हेरी की गुफाओं में घूमने के लिए यहाँ टिकट काउंटर से टिकट लिया जाता है, जिसका मूल्य भारतीयों के लिए 25 रुपये और विदेशियों के लिए 300 रुपये तक है। कन्हेरी की गुफाओं को कृष्णागिरी या कान्हागिरी नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है काली पहाड़ी। हेलो, मेरा नाम प्रशांत जांगीड़ा, मैं अहमदाबाद से आया हूँ। और फिर मैं यहाँ पर, हम लोग किसी ड्रामा के लिए आए थे और हम लोग उसके बाद में सोचा कि चलो एक बार आपके यहाँ पर नेशनल पार्क देखने आते हैं, क्योंकि उसके बाद में मुझे पता था कि ये एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर इसको देखने हैं। मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ उसको देखने के लिए। और फिर हमने देखा कि यहाँ पर 109 गुफाएँ हैं कुछ, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट गुफाएँ देखने के डिसाइड किया है। इसमें से 3 नंबर, 11 नंबर, 47 नंबर कुछ मेन गुफाएँ, बाकी काफ़ी अच्छी जगह। एक तरफ मतलब इतना ट्रैफिक, इतना प्रदूषण, और दूसरी तरफ एकदम अपोजिट है, एकदम शांत। उस तरफ एकदम ट्रैफिक, एकदम शांत। मतलब एक ही मुंबई में दो चीज़ एक साथ हमको देखने को मिल रही है, तो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया लगा मुझे यहाँ से। गुफाओं का निर्माण 2 शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी तक माना जाता है। कन्हेरी की पहाड़ियाँ समुद्र तल से लगभग 1500 फीट ऊपर है। ये गुफाएं बौद्ध कलाकृतियों का उत्कृष्ट नमूना है। इन गुफाओं की कुल संख्या 109 है और ये सभी गुफाएं एक ही पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। ये गुफाएं बुद्ध के कई रूपों को दर्शाती है। मैं बेसिकली यूपी से, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। कन्हेरी केव्स में बहुत अच्छा लगा घूम के यहाँ पे। और ये हमारा मुंबई आए को 2 दिन हुए हैं हम लोगों को, और यहाँ पे सुबह ही पहुँचे हैं। कन्हेरी केव्स काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, और जो यहाँ का बेसिकली जो गुफाएँ बनाई गई हैं बौद्ध धर्म के ऊपर हैं, काफ़ी मतलब देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और बड़ा ही रिलैक्स फील होता है। बहुत ही शांत माहौल है, बहुत अच्छा है। और मुंबई के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो बहुत ही वेलकमिंग सिटी है, और सबको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे घूमना है, बहुत अच्छी जगह है। शुरुआत की गुफाओं में बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। आगे की गुफाएं जो चढ़ाई के बाद आती है
वे ज्यादातर बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान प्रतीत होती हैं। कन्हेरी की गुफाएं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हीनयान और महायान का बड़ा केंद्र रहा है। जो सामान्य दिखने वाली गुफाएं हैं, वे हीनयान द्वारा निर्मित मानी जाती हैं, तथा अलंकृत युक्त गुफाएं महायान द्वारा निर्मित मानी जाती है। मैं पंकज यादव बुलंदशहर से ही हूँ। ये मेरा छोटा भाई सचिन, और अभी दो दिन पहले ही हम साथ ही आए हैं दोनों घूमने के लिए। और देख रहे हैं अभी कैनरी के सभी एलोरा जाएंगे घूमने के लिए। ये काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ घूमकर, और अभी देखते हैं। गुफाओं तक जाने के लिए पत्थरों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई है। यहाँ बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 25 फीट के करीब है। 26 मई 2009 को कन्हेरी की गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। कन्हेरी की गुफाएं भारतीय संस्कृति का एक सुंदर नमूना है। हेलो, मेरा नाम जीत है और मैं अहमदाबाद से आया हूँ। कन्हेरी केव्स देखने में आज पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। काफी शांत स्वीट जगह है। कन्हेरी की गुफाएं 2200 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। भारतीय इतिहास को स्वयं में समेटे ये गुफाएं अपने आप में अप्रतिम हैं। इन गुफाओं में मौर्य और कुशाना सम्राटों के समय की कलाकृतियां दिखती है, तथा बाद की बनी गुफाओं में गुप्तकालीन प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये गुफाएं घूमने फिरने के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते रहते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। वन्य जीवों के कारण यहाँ शाम को घूमने की अनुमति नहीं है। आप भी कन्हेरी की गुफाएं आए और यहाँ की शांतिमय और मनोरम दृश्यों का लुत्फ उठाएं।